दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज देश के सबसे अनूठे एक्सप्रेसवे यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे लोगों को सौंप देंगे। इस वक्त मैं इसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कि द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद इसका एक तरह से उद्घाटन करेंगे और ये बड़ी सौगात दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलने वाली है। अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की तो प्रधानमंत्री के अलावा इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल के साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और साथ में नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि स्थानीय सांसद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महीने के अंदर दक्षिण हरियाणा में ये दूसरा दौरा है। इस अगर पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो इसकी एक बड़ी खासियत है कि ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है ये सिंगल पिलर के ऊपर 8 लेन का बनाया गया है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के रूप में बनकर तैयार हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो ये 29 किलोमीटर का है और ये देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे भी है। इसके निर्माण पर का जो है अगर हम बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो खर्च किए गए हैं। इसकी जो कुल लंबाई है उसका 18.9 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो गुरुग्राम में है, जबकि 10.1 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली में है। 23 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो एलिवेटेड है और लगभग 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक तरह से टनल के रूप में यानी कि भूमिगत बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो खासियत है वो ये है कि इस पूरे निर्माण कार्य के अंदर 2 लाख MT स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने आप में एफिल टावर के निर्माण की तुलना में 30 गुना जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ 20 लाख एक तरह से संयुक्त जो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है जो कि बुर्ज खलीफा की तुलना में 6 गुना अधिक है। इस प्रोजेक्ट के लिए 12,000 से अधिक जो पेड़ है उनको भी ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया है और अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। पिछले कई सालों से जो गुरुग्राम और दिल्ली के जो लोग हैं उनको इस एक्सप्रेसवे का इंतज़ार था और अब ये एक्सप्रेसवे बनकर जब तैयार हो गया है तो आज ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। धर्मवीर शर्मा, News 18, गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज देश के सबसे अनूठे एक्सप्रेसवे यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे लोगों को सौंप देंगे। इस वक्त मैं इसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कि द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद इसका एक तरह से उद्घाटन करेंगे और ये बड़ी सौगात दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलने वाली है। अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की तो प्रधानमंत्री के अलावा इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल के साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और साथ में नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि स्थानीय सांसद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महीने के अंदर दक्षिण हरियाणा में ये दूसरा दौरा है। इस अगर पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो इसकी एक बड़ी खासियत है कि ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है ये सिंगल पिलर के ऊपर 8 लेन का बनाया गया है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के रूप में बनकर तैयार हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो ये 29 किलोमीटर का है और ये देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे भी है। इसके निर्माण पर का जो है अगर हम बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो खर्च किए गए हैं। इसकी जो कुल लंबाई है उसका 18.9 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो गुरुग्राम में है, जबकि 10.1 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली में है। 23 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो एलिवेटेड है और लगभग 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक तरह से टनल के रूप में यानी कि भूमिगत बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो खासियत है वो ये है कि इस पूरे निर्माण कार्य के अंदर 2 लाख MT स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने आप में एफिल टावर के निर्माण की तुलना में 30 गुना जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ 20 लाख एक तरह से संयुक्त जो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है जो कि बुर्ज खलीफा की तुलना में 6 गुना अधिक है। इस प्रोजेक्ट के लिए 12,000 से अधिक जो पेड़ है उनको भी ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया है और अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। पिछले कई सालों से जो गुरुग्राम और दिल्ली के जो लोग हैं उनको इस एक्सप्रेसवे का इंतज़ार था और अब ये एक्सप्रेसवे बनकर जब तैयार हो गया है तो आज ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। धर्मवीर शर्मा, News 18, गुरुग्राम।